हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान एंड आई एम एहसान अनवर अगेन एट योर सर्विस विद अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, थंबनेल से आप लोगों को मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 है, ये क्वाड्रिलेटरल्स पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने पहले ही बनाया, जिसमें क्वेश्चंस आपके कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड थे, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स जिसमें आपको किसी गिवन क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, तो किसी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करना था, और उससे एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस में आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है। जी हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इससे क्वेश्चंस हमेशा फाइनल एग्जाम में आते ही हैं। तो आपको ही मालूम है कि आपके फाइनल एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, और अगर आपने अभी तक इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को नहीं बनाया है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 फिर से और एक्सरसाइज 8.2 के भी सारे क्वेश्चंस को बनवा दूंगा एक एक करके, और समझा भी दूंगा, और फिर इससे रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे दूसरे पब्लिशर्स के बुक्स में वो भी मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं वो भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को, और देखते हैं कि किस तरह मिड पॉइंट थ्योरम को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that number 1, SR parallel AC and SR equal to half of AC. In second, PQ equal to SR and finally in the third part, PQRS is a parallelogram. जी हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फाइनल में ये कई दफ़ा आ भी चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर बना रखा है, और ये फिगर आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। ये आपका ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है, SR पैरेलल AC, ये SR आपका डायगोनल AC के पैरेलल है, एंड द लेंथ ऑफ SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ AC, SR इक्वल टू हाफ AC, ये हमें प्रूफ करना है। तो किस तरह प्रूफ करते हैं, तो आप देखिए, सबसे पहले मैं हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ADC। जी हाँ, आप देखिए, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ADC कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं हम लोग, ये A, ये D और फिर ये C, ADC ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। तो ADC ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखेंगे, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, S इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड, AD, ओके, एंड नेक्स्ट वी विल राइट R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड, DC, और यू कैन ऑल्सो राइट CD, DC एंड CD, यहाँ पे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हम लोग रीजन में लिखेंगे, ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई स्टेटमेंट, कोई रिजल्ट आप लिख रहे हैं तो ये किस इसका रीजन क्या है, या गिवन है, या किस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं आप,
किस एक्सियम का यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। तो ये दोनों क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोगों ने रीजन में विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिख दिया, गिवन एंड गिवन। अब आपको याद होगा मिड पॉइंट थ्योरम, मैं ऐसे आपको याद दिला दूं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। इफ देयर इज अ ट्रायंगल एंड लेट इट इज ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है एंड व्हेन यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू गिवन साइड्स देन द लाइन सेगमेंट यू विल गेट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू गिवन साइड्स देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू गिवन साइड्स विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, और यहां पे थर्ड साइड आपका क्या है, बी सी, यानी कि पी क्यू लाइन सेगमेंट जो आपको मिल रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट बी सी के पैरेलल होगा, देन पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ये कौन कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम। एंड द नेक्स्ट थिंग, द लेंथ ऑफ पी क्यू विल बी हाफ द लेंथ ऑफ बी सी, यस, एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड बी सी, ये मिड पॉइंट थ्योरम आपका है जो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी मिड पॉइंट थ्योरम को स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इस थ्योरम के हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, आपको ये लिखना नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉलेज विच वॉज नीडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया। और मिड पॉइंट थ्योरम, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसे समझ लें, विद इन द बॉक्स मिड पॉइंट थ्योरम इज गिवन। तो सेम आप जब इसे कंपेयर करेंगे दिस थ्योरम को इस फिगर में, इन ट्रायंगल एडीसी, जैसा कि मैंने लिया इन ट्रायंगल एडीसी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एडी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीसी, तो क्या हो जाएगा, एस आर, एस आर क्या है, एस आर इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू गिवन साइड्स, then we will write here then by midpoint theorem, by midpoint theorem, midpoint theorem you can write SR is parallel to the third side of the triangle, third side of the triangle ADC is AC, then SR parallel AC and SR इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ ए सी, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। तो आपने देखा कितना ईजिली प्रूव हो गया, दो गिवेन स्टेटमेंट्स जो आपका ऑलरेडी गिवेन था, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, रीजन गिवेन, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, रीजन गिवेन, देन बाई मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ द लेंथ ए सी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ सेकेंड पार्ट जिसमें आपको प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है PQ इक्वल टू SR, ये साइड PQ इज इक्वल टू साइड SR, देन वी विल अप्लाई द मिड पॉइंट थ्योरम अगेन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड, और इस रिजल्ट को हम लोग इक्वेशन वन भी बनाकर छोड़ देते हैं ताकि ये बाद में यूज करने में हमारा इजी हो। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल और व्हाट एवर यू नीड टू प्रूव यू कैन आल्सो मेंशन हियर व्हाट यू हैव टू प्रूव इन द सेकेंड पार्ट, पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल